20 आप इस वीडियो में देख लो कैसे क्रोकोडाइल अपनी बॉडी को इतना ऊपर उठा सकता है या कहूँ फेंक सकता है। अपनी टेल की वजह से ये पानी के अंदर प्रेशर बनाता है और उसी प्रेशर से ये ऊपर उठता है। ये फंक्शन उनके शिकार करने में काफी ज्यादा काम आता है। इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ की भी दाद देनी होगी। नंबर 19 अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चोर ने चॉकलेट की मदद से पूरा एक बैंक ही लूट लिया था। 2006 में बेल्जियम में एक आदमी था जिसने बैंक में काम करने वाले सभी वर्कर्स का भरोसा जीत लिया क्योंकि वो उन्हें रोज चॉकलेट देता था और इसीलिए बैंक वालों ने उसे बैंक की तिजोरी का VIP एक्सेस दे दिया। और इसके एक साल बाद यानी कि 2007 में ये आदमी 200 करोड़ के हीरे लेके भाग गया। आप ये कह सकते हो कि चॉकलेट ने इन्हें 200 करोड़ का नुकसान करवा दिया क्योंकि ये चोर आज तक नहीं मिला है और खोजबीन करने पे पता चला कि वो जो चॉकलेट दे रहा था वो भी चुराया हुआ था। नंबर 18 नॉर्मली जितने भी पूल होते हैं सबको ब्लू पेंट किया जाता है जिससे हमें पानी ब्लू कलर का दिखता है, पर फ्लोरिडा में रहने वाले एक आदमी ने सोचा क्यों ना वो अपना पूल रेड कलर का करे। हाँ, आपने सही सुना, और उसने पूल को रेड कलर का भी किया। देखो ये कैसा लग रहा है, जैसे कि ये पूल ड्रैकुला का हो और ये खून है। वैसे देखा जाए ये खराब तो नहीं लग रहा। नंबर 17 कनाडा देश में ये इलीगल है कि आप कॉइन्स में पे करो। जी हाँ, आपने सही सुना, इस देश में आप कॉइन में थोड़ी बहुत पेमेंट तो कर सकते हो, पर अगर आप कॉइन से ज्यादा पेमेंट करोगे जैसे कि 100 से 200 डॉलर तो आपको फाइन लगेगा। और अगर आपकी 5 से 6 बार कॉइन से बड़ी अमाउंट पे करने की कंप्लेन दर्ज होती है तो ये आपको जेल में भी डाल सकते हैं। नंबर 16 लेपर्ड शार्क, ये एक ऐसी शार्क है जिसे सबसे फ्रेंडली शार्क माना जाता है। ये किसी भी ह्यूमंस पे और अपने शिकार को छोड़ के किसी भी जीव पे हमला नहीं करती। देखो इस शार्क की स्माइल को, ये ऐसी है जो कि किसी भी इंसान का दिल खुश कर दे। ये शार्क ह्यूमन के तरफ काफी अट्रैक्ट होती है और हमारे साथ खेलना भी पसंद करती है। नंबर 15 हाल ही में लियोनेल मेस्सी ने अपनी पुरानी टीम को छोड़ दिया था और फेयरवेल में ये काफी ज्यादा रोए भी थे क्योंकि ये कई सालों से इस टीम के लिए खेल रहे थे, पर ये जिस टिश्यू पे रोए थे और अपने आंसू साफ किए थे उस टिश्यू पेपर को ऑक्शन में डाल दिया गया है। आप यकीन नहीं करोगे पर ये टिश्यू पेपर को $2 मिलियन में खरीदा गया है। बस ₹1 के टिश्यू पेपर को लोगों ने 2 मिलियन में खरीदा है। ज्यादा से ज्यादा वो बस आंसू है, पर फैंस की दीवानगी पे हम क्या ही कह सकते हैं। नंबर 14 US आर्मी के जो हेड सोल्जर्स हैं वो अपनी टी यानी कि चाय जो है वो एक काफी ज्यादा स्पेशल कप में पीते हैं। इस कप का प्राइस होता है 75,000 इंडियन रुपीज और ये वन टाइम यूज कप होता है। ये कप में कुछ स्पेशल फीचर हैं। एक तो ये चाय को गर्म कर देता है, भले ही चाय गर्म हो या ठंडी आपको इस कप में चाय गर्मा गर्म ही मिलेगी। और ये इसका साइड फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है फिंगरप्रिंटलेस। इस कप में फिंगरप्रिंट के निशान नहीं छूटते, भले ही कितना जोर से पकड़ो इस पे फिंगरप्रिंट के निशान नहीं बनते। नंबर 13 चार्ल्स डार्विन जो कि एक नेचुरलिस्ट थे और ये जो स्टिक अभी आपको दिख रही है ये उनकी वॉकिंग स्टिक थी, पर जब इसे अच्छे से चेक किया गया तो एक शॉकिंग बात सामने आई कि चार्ल्स डार्विन की ये जो वॉकिंग स्टिक है ये व्हेल के बैकबोन से बनाई गई है। हाँ, आपने सही सुना, व्हेल के बैकबोन से, और ये कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 12 ये फैक्ट काफी शॉकिंग है। ताइवान में रहने वाले बेन हसु ने गलती से उनके पास जो एप्पल के एयरपॉड्स थे उनमें से एक एयरपॉड को निगल लिया और निगलने के 9 घंटे बाद यानी कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होने के बाद ये एयरपॉड काम कर रहे थे। ये काफी शॉकिंग है। और उन्होंने जब बैटरी परसेंटेज जानने की कोशिश की तो आवाज आई 41%, यानी उसमें 41% बैटरी अभी भी बाकी थी। ये देखो इनके पेट में जाने वाला एयरपॉड का एक्स। नंबर 11 टाइम सब कुछ चेंज कर देता कि वर्स्ट जेल में करीब 5 महीने वेस्ट किए या कहूँ बिताए, वो भी बहुत छोटे से क्राइम के लिए, और वो अपनी बेल बस $2 यानी कि ₹200 दे के करवा सकता था, पर उसे ये बात पता ही नहीं थी। और वहाँ इसे काफी ज्यादा परेशान किया जाता था क्योंकि ये आदमी कोई फाइटर या कोई बुरा आदमी नहीं था। नंबर 9 नासा ने हाल ही में एक फुल टाइम जॉब बनाई है जो काफी क्रेजी है। इस जॉब का नाम है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसका काम होता है अर्थ को किसी भी एलियन अटैक या हर एक पॉसिबल वे में अर्थ को बाहर के जीव से बचाना। नासा का मानना है कि अभी ये यूजलेस लगे, पर एक टाइम जरूर आएगा जब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब बन जाएगी, इसलिए ये इस जॉब को अभी से ही शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बस मैथ्स और साइंस में एक अच्छी डिग्री चाहिए और थोड़े बहुत और क्वालिफिकेशन।
फिर आप इस जॉब को ले सकते हो जिसमें आपको काफी डिसेंट पेमेंट भी मिलेगा। नंबर 8, इंडिया आजाद कब हुआ, ये तो आप सब जानते ही होंगे। इंडिया आजाद हुआ था साल 1947 में, पर क्या आप ये जानते हो कि वो कौन सी सिटी है जो कि सबसे पहले आजाद हुई थी? अगर आप नहीं जानते तो वो थी बलिया, जो कि यूपी में आती है। और इंडिया के आजाद होने के 5 साल पहले यानी कि 19 अगस्त 1942 को बलिया आजाद हो गई थी, और उसके करीब 5 साल बाद हमारा पूरा इंडिया आजाद हुआ। आप कह सकते हो कि ये सबसे पहली सीढ़ी थी आजादी की। नंबर 7, साल 2001 में केरला में एक ऐसी बारिश हुई जिसे देख के आपको यकीन नहीं होगा। ये दिन था जुलाई 25 का, और लोग जब सुबह उठे तो पानी भरना वहाँ आम बात थी, पर ये खाली पानी नहीं था, ये पानी एकदम लाल था जैसे कि ब्लड होता है, और उसके इस कलर का रीजन कोई नहीं जानता। और कई लोगों ने कई थियोरीज सामने रखी और तो और कई सुपरस्टिशियस बातें भी कही, पर इसका रियल रीजन अब तक यानी करीब 21 साल के बाद भी अननोन है। नंबर 6, एक बार 2018 में पूरे साउथ अफ्रीका में स्नो गिरी थी, और इन जिराफ और एलिफेंट के फोटोज को रेरेस्ट एनिमल फोटोज भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों जानवरों को कभी भी बर्फ में नहीं देखा गया है, और इन जानवरों ने पहली बार अपनी लाइफ में बर्फ देखी होगी, या कहो इनकी पूरी स्पीसीज में ये पहली बार बर्फ देखे होंगे। नंबर 5, हाल ही में चाइना में दुनिया की सबसे पहले ट्रैकलेस ट्रेन का डिजाइन बनाया गया है, और इसके रोड पे टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। ये पटरी की जगह व्हाइट लाइन पे होगी जिसे डिटेक्ट करके ट्रेन चलेगी, क्योंकि ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए पटरी और सब बनाने में जितनी मेहनत और जितना सामान पैसा खर्च होता है उतने में 9 और ट्रेन बन सकती है। तो ये मॉडर्न सेंसर की मदद से एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं, और 2025 तक ये पूरे चाइना में फैल जाएगा। नंबर 4, पॉट होल्स यानी कि रोड पे होने वाले खड्डों की दिक्कत इंडिया में कितनी होती है ये तो आपको पता होगा, और खासकर ये सीजन यानी कि बारिश के सीजन में तो रोड पे काफी गड्ढे बन जाते हैं। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर रोड बेकार बनाता है, सही क्वालिटी का सामान यूज नहीं करता, और अगर उसके रोड बनाने के कुछ सालों में ही बहुत गड्ढे बन जाते हैं तो फिर उनको 10 करोड़ का फाइन लगेगा, और फ्यूचर में उन्हें रोड से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं करने देंगे, और उनके किसी भी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में भी कई फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद ही वो काम कर पाएंगे। नंबर 3, साल 2016 में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने लैपटॉप में बॉम्ब लगा के प्लेन में चढ़ गया। ये इंटेंशन से कि प्लेन के टेक ऑफ होने के 20 मिनट बाद ये प्लेन को ब्लास्ट कर देगा, और उसने ऐसा ही किया। बिल्कुल 20 मिनट के बाद उसने अपने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे प्लेन में एक काफी बड़ा छेद हो गया, और सरप्राइजिंगली बस वो बॉम्बर ही था जो कि प्लेन के बाहर उड़ गया, और उसको छोड़ के पूरे प्लेन में किसी को खरोच तक नहीं आई, और सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई। नंबर 2, ज्यादा मैगी खाने से क्या होगा? आपने मैगी तो खाई होगी और आपको मैगी खाना भी पसंद होगा, पर आप नहीं जानते होंगे कि हमारी थोड़ी देर की भूख मिटाने वाली मैगी बदले में काफी कुछ दे के जाती है, और ये गिफ्ट अच्छे तो बिल्कुल नहीं होते। जैसे ज्यादा मैगी खाने से आपके पेट में दर्द होगा, पाचन कमजोर हो जाएगा, आप फूड को जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैगी में कई टाइप के केमिकल होते हैं। मैगी में ऐसा भी एक केमिकल होता है जो आपके कैंसर होने के चांसेस बनाता है। ये मैगी हमें अच्छी तो लगती है पर ये अच्छी है नहीं। मैगी में सल्फर भी होता है जिससे आप एक जहर भी कह सकते हैं, क्योंकि सल्फर किसी भी जहर से कम नहीं है। मैगी को ज्यादा खाने से आप मोटे भी हो जाओगे यानी आपका फैट बढ़ जाएगा, और मोटे होने से आप कितनी सारी बीमारी के शिकार हो सकते हो ये तो आपको पता ही होगा। मंथ में एक दो बार मैगी खाना बुरा नहीं है, पर अगर आप डेली मैगी खाओगे तो ये बहुत खतरनाक है। नंबर 1, टूथपेस्ट का कलर इतना अलग अलग क्यों होता है? अगर आप सोच रहे हो कि ये कलर बस लुक्स के लिए दिए जाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। दरअसल टूथपेस्ट में कई सारे केमिकल होते हैं, और अक्सर इन केमिकल को मिक्स करना सही नहीं रहता, इसलिए वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अलग कलर में दिए जाते हैं। जैसे ब्लू कलर वाले पेस्ट में माउथ में मिंट की फील देते हैं और माउथ को कूल करते हैं। व्हाइट कलर वाला पार्ट दांतों के लिए कैविटी देता है, दांतों को कैविटी से दूर करता है और उन्हें मजबूत करता है। और रेड कलर वाला पार्ट अक्सर माउथ फ्रेशनिंग के लिए होता है यानी कि माउथ में ऐसी बैड स्मेल को सही करता है। और कई अलग अलग कलर इन सब पर्पस को पूरा करते हैं, और नॉर्मली टूथपेस्ट में रेड ब्लू और व्हाइट कलर का ही यूज होता है। कई टूथपेस्ट में कलर आते ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें ये सब है ही नहीं। बस बात ये है कि जो दिखता है वो
वही बिकता है और सारे टूथपेस्ट अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।